जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पॉजिटिव चैनल फॉर यू पे। मैं हूं चंद्रशेखर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी टाइपर .com और पॉजिटिव चैनल फॉर यू का। दोस्तों, भारतीय वायुसेना चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें करीब 2100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए समर्थन फूकते और देखते हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम लेते हैं हम जैगुआर का। तो जगुआर 2 इंजन सिंगल सीटर वाला अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मिलकर बनाया गया था। और जगुआर की अधिकतम रफ्तार 1350 किलोमीटर है। और एक अटैक एयरक्राफ्ट होने के नाते ये धरती के पास रहते हुए हमला करने में माहिर है। और जगुआर में 30 mm वाले 2 गन लगे हुए हैं, साथ ही इसमें 2 R-350 मैजिक मिसाइल लगे हुए हैं। और इसके बाद अलग से करीब 4750 किलोग्राम का भार उठाने में ये सक्षम है। MiG-21 बाइसन, जो कि सिंगल सीटर सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। MiG-21 को रूस में बनाया गया है, जो कि एक इंटरसेप्टर था, लेकिन इसका डिजाइन इतना अच्छा था कि इसे फिर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में भी कन्वर्ट कर दिया गया। और MiG-21 बाइसन MiG-21 का सबसे अपग्रेडेड वर्जन है। MiG-21 की अधिकतम रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और MiG-21 को भारतीय वायुसेना का रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन भी कहा जाता है। MiG-21 में 2 बैरल वाला 23 mm का कैनन लगा हुआ है, और साथ ही 4 R-60 कॉम्बैट मिसाइल इसमें लगा हुआ है। MiG-27 सिंगल इंजन सिंगल सीटर टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है, और MiG-27 को भी रूस में ही बनाया गया है। MiG-27 की अधिकतम रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और दोस्तों, MiG-27 में 6 बैरल वाला 23 mm का घूमने वाला कैनन लगा हुआ है। इसके अलावा MiG-27 4000 किलोग्राम का आयुध, अस्त्र शस्त्र या फिर आर्मामेंट ले जाने में सक्षम है। MiG-29 2 इंजन सिंगल सीटर वाला एयर सुपेरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, और MiG-29 को भी रशिया में ही बनाया गया। और दोस्तों, MiG-29 की अधिकतम रफ्तार 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और MiG-29 में 30 mm का कैनन, 4 R-60 कॉम्बैट मिसाइल और 2 R-27R मीडियम रेंज रडार गाइडेड मिसाइल लगा हुआ है। मिराज 2000, जो कि सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्रांस में बनाया गया। और मिराज 2000 सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, जिससे इसको 2495 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार मिलती है। मिराज 2000 में 30 mm का कैनन लगा हुआ है, साथ ही 2 MATRA Super 530D मीडियम रेंज का मिसाइल और 2 R-550 कॉम्बैट मिसाइल लगा हुआ है। Sukhoi-30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत प्रणाली वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। Sukhoi-30 2 इंजन 2 सीटर वाला रशियन निर्मित प्लेन है, जिसे भारत में भी बनाया जाता है। और दोस्तों, Sukhoi-30 MKI में 30 mm का गन लगा हुआ है, साथ ही 8000 किलोग्राम का भार उठाने में या फिर अस्त्र शस्त्र उठाने में सक्षम है, और इसे ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर किया जा सकता है। और दोस्तों, Sukhoi-30 MKI की अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की है। HAL का तेजस, तेजस हिंदुस्तान का खुद का बनाया मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, और तेजस को हिंदुस्तान की वायुसेना में 2015 में शामिल किया गया, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और दोस्तों, करीब 16 तेजस अभी एक्टिव ड्यूटी में है, जबकि कुल 20 एयरक्राफ्ट अभी वायुसेना में शामिल किया गया है। और इसके 3 वर्जन है, Mach 1, Mach 2, Mach 3। राफेल हिंदुस्तान की वायुसेना का सबसे नया मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 2 इंजन वाला है। और राफेल भी फ्रांस द्वारा निर्मित 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत प्लेन में से एक है। और हिंदुस्तान के द्वारा करीब 36 राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से एक की डिलीवरी हो चुकी है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो हिंदुस्तान की वायुसेना की जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके बारे में।